नमस्कार, राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं निताशा चतुर्वेदी, जो कि एक कंप्यूटर टीचर है और आप सभी को यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की तैयारी कराने वाली है, जहां पर हम कंप्यूटर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, सारी जानकारियां, सारा सिलेबस करेंगे। यूपी पुलिस के एग्जाम में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाली हूँ भाई सिलेबस और एग्जाम पैटर्न, किस तरीके से हमारी क्लासेस रेगुलर होंगी, कितने टाइम पर होंगी, आपको कहाँ से क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या मिलेगा। इसी चैनल पर मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन, सारी जानकारियां दूंगी। तो बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। सो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपका जो पेपर होगा भाई, वो 2.5 घंटे का होगा, यानी 2.30 आवर्स, यानी 2.5 घंटा, 2 आवर्स 30 मिनट्स, पहली जानकारी, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपका जो पेपर होगा, इसमें आएगा हमारा जीएस, जीएस यानी जनरल स्टडी, ठीक है। जनरल स्टडी जिसके अंतर्गत आपके करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और रिलेटेड जितनी भी आपकी जो जीके होती है, जनरल स्टडी होती है, जो जनरल जानकारियां होती हैं, वो सारी पूछी जाएंगी। दूसरा पॉइंट आपका जो होगा, वो रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी पर आएगा। रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी का मतलब है मानसिक सामर्थ्य और तर्क शक्ति, जो कि सभी कॉमन एग्जाम्स में आज के टाइम में पूछा जाता है। तीसरा भाई कंप्यूटर, क्योंकि ये पोस्ट जो है वो कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट है, तो कंप्यूटर तो पूछा जाएगा ही, ठीक है। अब हम लोग, मेरे इस चैनल पर आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ये थर्ड वाला कंप्यूटर, और जो कि इस एग्जाम में मेन है। तो कंप्यूटर की A to Z, प्रीवियस ईयर पेपर, प्रैक्टिस पेपर, आपको जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं या जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे जा चुके हैं, वो सारे मैं इसी चैनल पर कराऊंगी। कितने मार्क्स का क्या आता है, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे मेरे पास और स्टूडेंट्स के बहुत सारे डाउट्स थे। तो भाई जीएस का जो पेपर होगा, वो जीएस का पेपर आपका क्वेश्चन नंबर 1 से 40 तक पूछा जाएगा, जिसमें कि आपका 1.525 का ईच क्वेश्चन होगा, ऐसे करके आपके 50 मार्क्स बनते हैं। उसके अलावा मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग का, यानी तर्क शक्ति और मानसिक सामर्थ्य का जो पेपर होगा, वो पेपर हमारा 41 से 80 क्वेश्चंस तक आएंगे जिसमें, और ये हमारा हर क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होगा, यानी 50 नंबर का ये पेपर आएगा। एक तरह से ये 40 क्वेश्चन, ये 40 क्वेश्चन, दोनों मिला के हुए 80 मार्क्स। असली खेल यहाँ शुरू होगा, क्योंकि ये अकेला 80 मार्क्स, 80 क्वेश्चन आएंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 181 से क्वेश्चन नंबर 160 तक, और 160 क्वेश्चन नंबर 180 से 81 से 160 तक क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन बेटा 1.2 मार्क्स का आएगा, जो कि आपका टोटल हुआ 100 मार्क्स। यानी आप ये बात समझो, जो आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर के आपके टोटल 80 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन आपका 1.25 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स यहां से आपके कवर होने वाले हैं। सिमिलरली आपके जो बाकी के पैट क्वेश्चन हैं, जैसे जीएस है, तो जीएस का जो जीएस में 40 क्वेश्चन आएंगे 1.25 मार्क्स का, यानी हमारा 50 मार्क्स। उसके अलावा मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग, ये हमारे 40 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होगा, यानी 50 मार्क्स का। पेपर हमारा 200 मार्क्स का होगा और क्वेश्चन हमारे पूछे जाएंगे कितने, 160 क्वेश्चन, 200 मार्क्स और पेपर है 2.5 घंटा। सबसे पहले हमें कोई भी तैयारी करने से पहले ये देखना चाहिए कि पेपर में कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट के पूछे जाएंगे, इस हिसाब से हमें तैयारी करनी है। कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब है तो कंप्यूटर आना अनिवार्य है, और मेरे ख्याल से आप सभी को कंप्यूटर की थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी होगी, तभी आपने इस पोस्ट को फिल कर रहे होंगे। तो इस पोस्ट को आपको बहुत सारे चैनल्स पर सारी जानकारियां मिलेंगी। आई नो बहुत सारे चैनल्स, यूट्यूब, गूगल, सभी लोग, मैं भी स्पेशली, सारे लोग यही तैयारी करा रहे हो, इसी एग्जाम पर सभी का फोकस है। अब आपको जर्नल
स्टडी कहाँ समझ में आती है, मेंटल एप्टीट्यूड कहाँ समझ में आता है, रीजनिंग कहाँ समझ में आती है, आप खुद से सेल्फ स्टडी कैसे करेंगे, ये सब आपके ऊपर है। कंप्यूटर आपको कहाँ समझ में आती है, मैंने आपको किसी को भी ये फोर्स नहीं किया कि मुझसे पढ़ें, लेकिन कुछ क्लासेस लेके देखें, अगर अच्छा लगता है तो पढ़ें, नहीं तो ये एक ओपन चैनल है, आपको मैंने और किसी भी चैनल ने फोर्स नहीं किया। हाँ वो बात अलग है, कहीं आपने पेमेंट कर दी है कि आप पूरा सिलेबस ले रहे हो, तो मेरा एक सजेशन है किसी भी कोचिंग में, किसी भी यूट्यूब चैनल पर, किसी भी पेड कोर्स लेने से पहले वहां की कुछ डेमो क्लासेस जरूर ले लें, क्योंकि क्या होता है हम पैसे रुपए दे देते हैं, हम वहां फंस जाते हैं। हम वहां फंस जाने का मतलब है हमें वहां समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। हो सकता है कोई जनरल नॉलेज पढ़ाता है अच्छी, किसी की मेंटल एबिलिटी अच्छी है, किसी की रीजनिंग अच्छी है, कोई कंप्यूटर अच्छा पढ़ा रहा है। आप लोगों को क्या होता है कि हमें सारा कुछ एक जगह से मिल जाए, तो सारा कुछ एक जगह से अच्छा नहीं मिलता, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ। तो ये एक बहुत अच्छी, कुछ पैसों के लालच में आपको फ्री में भी बहुत कुछ मिल जाता है। आप ये बात जानते हैं अच्छे से कि YouTube और Google और सब जगह किताबें वगैरह सब हमें फ्री में भी मिल जाती हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है अगर हम एक जगह से कोर्स लेते हैं कोई भी, तो वहां हमारा क्या होगा, प्रॉब्लम ये होगी कि हमें रीजनिंग समझ में आ रही है पर कंप्यूटर समझ में नहीं आ रही है। अब कंप्यूटर जब समझ में नहीं आ रही, लेकिन हम वहां पर पैकेज ले चुके हैं 5,000, 10,000 जितने का भी, 2,000, और अब हम वहां पे फंस चुके हैं कि हमें वहीं से तैयारी करनी है। आप उन टीचर्स पे फोर्स करेंगे कि आप ये पढ़ाइए वो पढ़ाइए, इससे बेटर है कि दिस इज यू, आप इतने समझदार छोटे बच्चे नहीं है। जो भी लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं वो 21 साल की उम्र से बड़े ही होंगे, तो जो भी लोग फॉर्म फिल करने वाले हैं या फॉर्म फिल कर रहे हैं, उन लोगों की उम्र ऑलरेडी इतनी मैच्योर है कि उनके अंदर इतनी समझदारी है, तो प्लीज समझदारी से काम करिए, क्योंकि 930 पोस्ट इज मोर देन इनफ। और इस साल अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको वेट करना पड़ेगा 1-2 साल का। पुलिस, यूपी पुलिस की जॉब अपने आप में बहुत अच्छी जॉब है। पेपर कैसा आएगा, क्या चीजें आएंगी, डिस्कस कर लेते हैं। देखो भाई, फर्स्ट मैंने बताया 40 नंबर का सामान्य ज्ञान आएगा, यानी जीएस, जीके, जीएस, जनरल सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, जनरल स्टडी एक ही ना बात है। इसमें हमारा सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नागरिकरण, भारत का भूगोल, विश्व भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक प्रथाओं से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं वो सब पूछी जाएंगी। उसके अलावा आतंकवाद, राज्य सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था, मानवीकरण, देखो सारी अगर टॉपिक्स को भी अगर हम ध्यान से देखेंगे ना, तो अभी हम पढ़ सकते हैं पड़ोसी देशों से हमारे क्या संबंध, किस तरीके से संबंध है, क्या संबंध अच्छे हैं, किस किन किन से क्या क्या अच्छे संबंध है, किन किन से क्या अच्छे संबंध नहीं है, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर, पुरस्कार, सामान्य देश, राजधानी, मुद्राएं, और जो महत्वपूर्ण दिवस होते हैं उनके बारे में, अनुसंधान, खोज, पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन, ये सब के बारे में। दूसरा पॉइंट मेंटल एबिलिटी, जिसके अंतर्गत हमें लॉजिकल डायग्राम यानी तार्किक आरेख, सिंबल रिलेशनशिप, उसके अलावा हमारी लेटर नंबर सीरीज, एनालॉजी, अल्फाबेट सीरीज, और ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। रीजनिंग और ये सब पूरा एक ही पार्ट है, जो ये वाला जो पार्ट है ना हमारा बेटा, रीजनिंग और तार्किक शक्ति, ये हमसे 40 नंबर का पूछा रहेगा। 40 नंबर इंटू 1.25 करेंगे तो हमारा होता है 50 मार्क्स खाएगा। उसमें रीजनिंग में जितने भी हमारे आप लोगों की बुक होगी आपके पास, या फिर आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं रीजनिंग पर, या आप डिसीजन मेकिंग, और जो हमारे जो पुलिस और एसएससी वगैरह की तैयारी करते हैं या जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, ये सारे बेसिक्स टॉपिक हैं, ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई भी चीज डिफरेंट नहीं है। अब आपको क्या करना है, एक बार पूरे चैप्टर वाइज चैप्टर लगाओ, दिस इज माय सजेशन। अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो क्या करो, एक बार अगर आपको पहले से कुछ आता है तो ये उनके लिए है, पहले से आपको बेसिक बेसिक चीजें आती हैं, तो एक बार आप चैप्टर वाइज चैप्टर स्टडी करो, उसके बाद आप प्रैक्टिस करो मैक्सिमम, जितनी ज्यादा जो प्रैक्टिस कर लेगा और जितनी ज्यादा जो बेसिक क्लियर कर लेगा उसका सिलेक्शन पक्का है।
दूसरी चीज क्या है कि अगर आपको बिल्कुल बेसिक से नहीं आता, आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, और आज से पहले आपने कभी भी कोई एग्जाम नहीं दिया है और आपको बिल्कुल ए भी नहीं आता, तो ये उनके लिए क्या है कि आप पहले हर एक यहाँ पर जैसे पढ़ाई कैसे करनी है, आप जाएंगे किसी भी कोचिंग में या कहीं भी, तो आप देखेंगे कि पहला टॉपिक पहला चैप्टर ऐसे नहीं पढ़ना है, इसमें से देखो क्या है लॉजिकल डायग्राम। लॉजिकल डायग्राम्स की आपने यूट्यूब पे वीडियो देखी, एक वीडियो नहीं समझ में आया, दो वीडियो नहीं समझ में आया, आपको 5 मिनट में पता चल जाता है। पूरी वीडियो देखने से अच्छा है, ये मेरा सजेशन है, इवन दैट मेरी भी देखो, तो आप स्टार्टिंग के जैसे बीच में से 2 4 ऐसे 3 4 बार क्लिक करके देखा करो, एक एक मिनट सुना करो। अगर आपको लगता है कि कुछ इंटरेस्टिंग है तो स्टार्टिंग से पूरी वीडियो देखो, वरना उसको स्किप कर दो, हटा दो, फिर दूसरी वीडियो उस तरीके से देखो, फिर तीसरी देखो। जिस भी वीडियो में आपको अच्छा समझ में आ रहा है कि जैसे कि 30 मिनट की वीडियो एग्जांपल के तौर पर, आप जब वीडियो ओपन करो तो आप स्टार्टिंग से मत सुनो, क्योंकि स्टार्टिंग से क्या है हर कोई अपना इंट्रोडक्शन देता है, इवन डेट माय वीडियो टू अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप स्टार्टिंग से देखो। आप जैसे 2 मिनट पर क्लिक कर दिया, 1 मिनट पर कर दिया, 5 मिनट पर कर दिया, 10 मिनट पर कर दिया, 12 मिनट पर कर दिया, ऐसे 4 5 बार क्लिक करके देखा करो, और उसको एक एक मिनट, हाँ 1 सेकंड में तो डिसाइड नहीं कर सकते हो बट 1 मिनट में जरूर कर सकते हो, तो एक एक मिनट करके आपने उस वीडियो को 5 मिनट देख लिया, 5 मिनट में आप समझ जाओगे कि इस टीचर का मुझे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। फिर ऐसे दूसरा देखो, तीसरा देखो, चौथा देखो, ऐसे 4 5 वीडियोस देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको किसका समझ में आ रहा है, उससे वो टॉपिक समझ लो। वो टॉपिक समझ लिया, अब कोई भी बुक से उस चैप्टर को, जैसे यहाँ पे लिखा है लॉजिकल डायग्राम, तो अब उसके क्वेश्चंस जो है मैक्सिमम उस बुक से लगा लो। उसके बाद जैसे सपोज कि सिंबल रिलेशनशिप है, तो सिंबल रिलेशनशिप की ऐसे यूट्यूब पे कोई वीडियो, जिनको नहीं आता है उनके लिए वीडियो सुन ली, आप अपने साथ के साथ नोट्स बना लो। उसके बाद आपने एक बुक से लगा ली। मैं पहले वीडियो वगैरह सुनने की क्यों कह रही हूँ या कोई क्लास लेने की इसलिए कह रही हूँ कि आपको वहां से एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जब आप बुक से डायरेक्ट पढ़ोगे तो आपको इजी रहेगा पढ़ना। पहले आप किसी से पढ़ो, फिर बुक से पढ़ो, फिर बुक से पढ़ने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि इस टॉपिक में इस जगह कमी आ रही है, तो उसको फिर सुन लो किसी वीडियो पर या किसी वेबसाइट पर देख लो, किसी बुक में देख लो। फिर आपको उस वो टॉपिक जब क्लियर हो जाएगा, प्रैक्टिस पेपर लगा लिया उसका, उस चैप्टर वाइज चैप्टर, ऐसे करके आपकी पूरी जब ये तैयार हो जाए, रीजनिंग 30 दिन में, 35 दिन में, अभी 2 महीने से पहले एग्जाम नहीं होगा, डोंट वरी, दो महीने तो मिनिमम आप मान के ही चलो, तो 2 महीने अभी तो पेपर जनवरी की लास्ट तक तो फॉर्म ही फिल किए जाएंगे, उसके बाद वो सब प्रोसेस होगा, तो ऑलमोस्ट आपके मार्च के बाद ही जाएंगे एग्जाम। पर फिर भी हम अभी कोई भी ये अपडेट नहीं है कि एग्जाम कब होगा, तो मैं 2 से 3 महीने मान के चल रही हूँ, मिनिमम 2 मंथ तो मैं मान ही रही हूँ, तो आप ये मानो आपके पास 2 मंथ तो है ही है, तो 1 मंथ में आप जब इस तरीके से तैयारी कर लोगे तो नेक्स्ट जो 1 मंथ होगा उसमें आप ज्यादा से ज्यादा वीडियोस सुनो। वीडियोस का मतलब है जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको कंप्यूटर मुझसे समझ में आती, कंप्यूटर मैं अच्छा पढ़ाती हूँ, मैं ऐसा मानती हूँ, पर रीजनिंग और बाकी सारी चीजें मुझे इतने अच्छे से नहीं आती, तो कंप्यूटर की मैं टीचर हूँ, तो कंप्यूटर जैसे आपने मेरे से पढ़ा, तो कंप्यूटर की जब आप डेली एक दो वीडियो देखोगे, साथ में आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, तो आपको कुछ नई चीजों से भी अपडेट मिलता रहेगा, आपको आपकी प्रैक्टिस से भी मिलता रहेगा, प्लस आप टेस्ट सीरीज भी लगा रहे हो, तो आपकी प्रैक्टिस अप टू द मार्क 100% हो जाएगी। ये बात है रीजनिंग के बारे में। सिमिलरली अब हमारा आता है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर की तैयारी मैं कराऊंगी, मैं गारंटी ले रही हूँ कंप्यूटर की तैयारी मैं कराऊंगी। आपको मैं ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन, सारी सीरीज, सब कुछ देने वाली हूँ। कंप्यूटर में क्या क्या आएगा, इंट्रोडक्शन की हिस्ट्री क्या होती है, एवोल्यूशन क्या होता है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, पेरिफेरल डिवाइसेस क्या है, एल्गोरिदम क्या होती है, फ्लो चार्ट क्या होता है, नंबर सिस्टम क्या होते हैं। उसके अलावा DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें डेटा ऑर्गेनाइजेशन, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा कॉन्सेप्ट, रिलेशनशिप डेटा मॉडल, बेसिक कॉन्सेप्ट। देखो कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब है तो कंप्यूटर साइंस का ही मेन रोल प्ले करता है, जिसने कंप्यूटर अच्छे से कर ली वही सिलेक्शन लेगा। मैंने ऐसा नहीं कहा रीजनिंग और जीएस का रोल प्ले नहीं करता, बट मेन रोल कंप्यूटर का प्ले करता है, मेन रोल। यानी अगर वहां कि वहां आपका 1 2 चैप्टर कमजोर भी है तो भी आप कवर कर लोगे अगर कंप्यूटर अच्छे से कर ली, क्योंकि यहां तो 1 भी चैप्टर कमजोर नहीं हो सकते, यानी आपको सब आना चाहिए, क्योंकि यही आपको
पूरे के पूरे 80 क्वेश्चन से 100 मार्क्स दिलाएगा अलग से। आप डीबीएमएस में डेटा मॉडल क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट डीबीएमएस के क्या होते हैं, उसके अलावा ओरेकल एसक्यूएल ये सारे डेटाबेस क्या होते हैं, पीसी, अब पीसी सॉफ्टवेयर ऑफिस ऑटोमेशन जो हम लोग करते हैं वो सब क्या होता है, जैसे ऑफिस सिस्टम क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है, ऑटोमेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक कैप्चर क्या होता है, स्टोरेज, ग्राफिक्स, ये सारी चीजें। वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी टूल्स जैसे वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, उसके अलावा प्रेजेंटेशन, माइक्रोसॉफ्ट पूरा ऑफिस जिसमें कि एक्सेल, पावर पॉइंट, ओपन ऑफिस, उसके अलावा आपकी विंडोज, यूनिक्स, यूनिकोड, ये सब क्या होते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग जिसमें टोपोलॉजी, रिस्क असिस्टेंट, सिक्योरिटी, लैंडमैन वैन, ये सब क्या होता है। इंटरनेट क्या होता है, ई बैंकिंग, ई लर्निंग, सर्च इंजन क्या होते हैं, ईमेल्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड वेब पब्लिशिंग, एक सेकेंड, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड वेब पब्लिशिंग जिसके अंतर्गत हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोबाइल कंप्यूटिंग, ग्रीन कंप्यूटिंग, उसके अलावा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, HTML, जावास्क्रिप्ट, बैंकिंग, ई कॉमर्स, बुलियन एलजेब्रा जिसके अंतर्गत हमारी ट्रुथ टेबल, के मैप, सॉप ऑफ, बुलियन एलजेब्रा, डेटा स्ट्रक्चर जिसमें हम एरे, स्टैक, क्यू, ये सब चीजें पढ़ेंगे। तो बेसिकली एक तरह से आपका पूरा डिप्लोमा वाला सिलेबस, यानी ऑलरेडी ये सारी चीजें एक एक बार मेरे अकॉर्डिंग आप पढ़ चुके होंगे, नहीं भी पढ़ी है तो मैं आपको पढ़ाऊंगी, डोंट वरी। आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट होने वाली है, देखो आप लोग जीएस और रीजनिंग किसी भी क्लास से पढ़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। कंप्यूटर भी कहीं से पढ़ सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट कंप्यूटर मैं भी पढ़ाती हूँ। तो मैं इस एग्जाम का 100 मार्क्स कवर कराऊंगी, 100 मार्क्स मैं अपनी साइड से कराऊंगी और आप जितने एफर्ट्स कर सकते हैं। देखो एक कोई भी बुक होती है मार्केट से खरीदने जाते हो, उसको पढ़ के बहुत सारे लोग सिलेक्शन ले भी लेते हैं, बहुत सारे लोग सिलेक्शन नहीं भी ले पाते हैं। तो अपनी साइड से टीचर, हर टीचर अच्छा होता है और हर टीचर एफर्ट्स करता है और वो मैक्सिमम चीजें अच्छे से अच्छी देने की कोशिश करता है, बट ये डिपेंड करता है कि कितने लोग ले पाते हैं, कितने नहीं ले पाते। कंप्यूटर साइंस की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, मैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको दूंगी, आपको जो टॉपिक में प्रॉब्लम होगी वो सारे कवर करूंगी, उसके अलावा आपके डाउट्स, आपकी क्लासेस, आपके टॉपिक्स, आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस सारी कुछ लेके आने वाली हूँ मैं आपको। 10,000+ क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर, जितनी भी मैक्सिमम चीजें इस एग्जाम से रिलेटेड होंगी 2-3 महीने के अंदर, जितना भी अभी हमारा जिस डेट से 7 से एग्जाम फिल के फॉर्म फिल होंगे ऑलमोस्ट पता चल जाएगा एक अप्रोप्रिएट डेट कि एग्जाम कब होगा। मैं मार्च में मान के चलती हूँ तो ऑलमोस्ट हमारे पास 2.5 महीना 3 महीना है, तो ये मैं 3 महीने की क्लास मान के चलूंगी मेरे अकॉर्डिंग कि मुझे कंप्यूटर साइंस का 3 महीने के अंदर पूरा सिलेबस कराना है, 3 महीने में, जिसमें मैं क्वेश्चंस, आपके टॉपिक, सारी चीजें कवर करूंगी। वीडियो हमारी डेली आएगी अगर संडे को छोड़ के, इन केस कोई प्रॉब्लम है मैं क्लास नहीं ले पाती हूँ तो वो वीडियो मैं संडे को भी अपलोड कर दूंगी। आपके वीक में 5 से 6 वीडियोस आनी ही है और ये अपलोडेड फॉर्म में होंगी, मैं लाइव नहीं पढ़ा पाऊंगी क्योंकि माई पर्सनल रीजन। अपलोडेड मैं भी आपके सारे कमेंट सेशन की सारी जानकारियां मैं आपको दूंगी और आपको जो भी प्रॉब्लम होगी मैं आपके साथ जुड़ी रहूंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, जिससे कि अगर आपको कोई भी नोट्स या कोई भी जानकारियां चाहिए और मैं कुछ भी आपको पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करानी है, क्वेश्चंस प्रोवाइड कराने हैं तो टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप लोग टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइएगा। उसके अलावा बाकी जो भी इस एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स आती है, न्यू अपडेट्स, लेटेस्ट अपडेट, या आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी सारी क्वेरी दूर करने की कोशिश करूंगी। कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड इस चैनल पर जुड़ने के लिए जो लोग जुड़ चुके हैं उनका धन्यवाद और जो लोग नहीं जुड़े जुड़ जाइए। मैं आपको ये बात की अश्योरिटी देती हूं कि मैंने जितनी भी क्वेश्चंस कराऊंगी उसमें क्वेश्चंस रिलेटेड तो आ जाएंगे कि एग्जाम्पल के तौर पर पूछा जा सकता है कि लैन क्या है, तो लोकल एरिया नेटवर्क। अब लैन के लैन जो लोकल एरिया नेटवर्क है वो क्या क्या कनेक्ट करता है, एग्जाम्पल क्वेश्चन है। तो लैन सपोज कनेक्ट करता है हमारा नियरेस्ट डिवाइसेस को,
तो नियरेस्ट जो डिवाइसेस हैं, आप लैन में हम कौन सा राउटर यूज करते हैं, लैन में हम कौन सी केबल यूज करते हैं, लैन केबल कहाँ यूज होती है, वैन क्या होता है, मैन क्या होता है, उसके 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 अकॉर्डिंग व्हाट इज एल्पानेट क्या है, तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो अब एमसीक्यू में आप किस तरीके से क्लिक करेंगे, क्या चीज आप क्लिक कर पाएंगे, दिमाग में कौन सी चीज कब आनी चाहिए, आपके एर्पानेट के बाद कौन सा नेटवर्क आया, आपके उस नेटवर्क के बाद कौन सा आया, डब्ल्यू एन नेट आया, डब्ल्यू एन नेट के बाद कौन सा आया, इस तरीके से बहुत सारे इंटरनेट क्या होते हैं, इंटरनेट क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, उसके अलावा आपकी नॉर्मल बूलियन अलजेब्रा क्या है, ट्रुथ टेबल क्या है, आपकी ये सारी प्रॉपर्टीज क्या है, बाइनरी कोड्स क्या है, डेसिमल्स कोड्स क्या है, हेक्साडेसिमल्स कोड क्या है, जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मैं इस चैनल पर देने वाली हूँ, मैक्सिमम क्वेश्चंस कराऊंगी, टारगेट मेरा ये है। तो बस आप क्या करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी लोग इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए, क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब है भाई, कंप्यूटर तो आना है, कंप्यूटर आना है तो मुझे तो पढ़ाना है, मुझे पढ़ाना है, तो आप एक बार क्लासेस लेके देखिएगा। हम लोगों की जो रेगुलर क्लासेस होने वाली है वो कल से होने वाली, यानी 2 जनवरी से, और प्लेलिस्ट बना दूंगी मैं एक कंप्यूटर ऑपरेटर की, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन डेली की डेली मिलती रहेगी। सो वीडियो कैसा लगा है, आप वीडियो कैसा लगा है, आपको अच्छा लगा होगा, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं सीरियसली बोल रही हूँ, एक बार क्लास लेके देखना, आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा क्लास लेने में, तो एक बार क्वेश्चंस का लेवल देख के देखना। मैंने ये नहीं कहा इसी से करो, बट एक बार ट्राई तो कर सकते हो, उसका फ्री कॉस्ट है, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम।